जो क्रेडिट स्कीम है उसको रीवैम्प किया है मीन्स क्रेडिट स्कीम मीन्स जो लोन uh, uh, बांटने की जो फैसिलिटी थी उसे रीवैम्प किया उसे पुनर्संगठन किया है उसमें न्यू प्रोविजंस uh, लेके आए हैं न्यू न्यू uh, चीज़ें लेके आई हैं जिससे कि एम को और ज्यादा फायदा हो एंड स्टूडेंट्स मैंने आपको पॉलिटिकल की क्लास में बताया था कि हम बजट की जो क्लासेस हैं वो फिफ्टीन फेबरी से हम खड़ा करेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में वो आता है सो तो उसकी खुद उसे स्टडी करना उसे डिटेल एनालिसिस करना एंड तभी हम चाहते हैं कि हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें इसलिए हम फिफ्टीन फेब्री तक वेट करेंगे और उसके बाद आप सभी लोग फिफ्टीन फेबररी से बजट की जो क्लासेज हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और जो बजट में से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है जैसे कि कल जो मैंने इकोलॉजिकल एंड एन्वायरमेंट के लिए बताया था कुछ स्कीम्स एंड सिमिलरली जो अब एम एस एम के लिए जो मैं रिवैम्ब क्रेडिट स्कीम्स बता रही हूँ ये दोनों ही मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी इसीलिए ही हम इसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सो मूविंग ऑन टू दी लेक्चर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने uh, क्रेडिट स्कीम को रीवैम्ड करने की बात करी गई और जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कोलेटर फ्री क्रेडिट देंगे मीन्स जो अभी तक जो भी उन्हें लैंडिंग एक्टिविटीज़ होती थी हमें सेमीज़ की वो कोलेट्रल के साथ होती थी लेकिन इसके साथ साथ उसमें एडिशनल प्रोविजन एड ऑन कर दिया गया है कि कोलेट्रल फ्री लैंडिंग भी वो करेंगे कुछ एम एस एम ईस को डिपेंडिंग ऑन देयर एनुअल टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट सो अगर हम इस री व्याम स्कीम के बारे में बात करें जो बजट 2023 में अनाउंस करी गई है वो फर्स्ट अप्रैल 2023 से स्टार्ट uh, होएगी मींस उससे लागू हो जाएगी विद द कॉर्पस ऑफ 9000 करोड़ रुपीस 9000 करोड़ रुपीस का उसमें कॉर्पस है कि इतने ज्यादा uh, तक मतलब वो लर्निंग एक्टिविटीज हम उन्हें कर सकते हैं बट विद एडिशनल ऑफ 2 लाख करोड़ रुपीस मींस uh, जो बोला गया ना कि कोलैटरल फ्री uh, क्रेडिट दिया जाएगा ये गारंटी कर रहे हैं तो जो जो नाइन थाउजेंड करोड़ रुपीस हैं वो तो उनके नॉर्मल लेंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए हैं विद कोलेटरल कि कोलेट्रल के साथ उन्हें उनको लेंड करेंगे लेकिन इसके साथ टू लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा एडिशनल दिए गए हैं जिसमें कि वो कोलेट्रल फ्री लोन बांटेंगे बिना किसी यू you नो know, कोलेट्रल के स्टूडेंट्स कोलेट्रल मीन्स कि जब अगर आप जैसे कोई लेंडिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती है जब कोई लोन ले रहा होता है तो उसके बदले में वो कुछ अपनी यू नो कोलेट्रल जमा कराता है लाइक अगर किसी चीज़ के पेपर हो गए घर के पेपर हो गए या कुछ भी लाइक like कुछ भी और यूनिक आइटम्स हो सकती हैं वो सारी चीजें रखवाता है सो दैट इज हैट्रल इसलिए बोला जा रहा है कि कोलेट्रल फ्री एडिशनल टू लाख करोड़ रुपीज देंगे जिससे कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं उन्हें बूस्ट अप मिले और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके अंदर हुआ क्या है कि एमएसएमई की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें क्योंकि देखो एमएसएमई में है क्या एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म क्या है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऐसी इंटरप्राइजेज जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं माइक्रो एम काफी छोटी हैं ज्यादा ज्यादा उनके ओवरऑल अपियरेंस नहीं है ओवरऑल उनकी यू नो वैल्यू नहीं है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्यों क्योंकि उसके अंदर हमारे जो लोकल पीपल है वो काम कर रहे होते हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं क्योंकि उससे वो करते गए हैं तो हैंडीक्राफ्ट आर्टिज या फिर यू you नो know, मोमबत्ती वगैरह बनाना हो गया ये सारी चीज़ें मैट बनाना ये सारी चीज़ें इन एम के अंदर करी जाती हैं जो माइक्रो स्मॉल वाले होते हैं अब लेकिन जो मीडियम एंटरप्राइजेस वाले होते हैं आप अब तो काफ़ी उनमें इंप्रूवमेंट हुई है एंड उसमें काफ़ी सारे तो जो प्रोसेस है वो होते हैं और हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि एम ना केवल इंडिया के लेवल पे बट इंटरनेशनली वो कॉम्पीट वो करें सभी के प्रोडक्ट्स से जो भी मार्केट में बनाए जाते हैं इसलिए इनके लिए बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आती है और ये जो क्रेडिट कॉस्ट है मींस जो उन्हें लेंडिंग एक्टिविटीज कोलेट्रल फ्री हो या फिर जो कोलेट्रल के साथ है उसमें उन्होंने जो क्रेडिट है उस... जो क्रेडिट कॉस्ट है उसे रिड्यूस करा है वन परसेंट से मींस जो भी उनका इंट्रास्ट लगता है उसे वन परसेंट से रिड्यूस कर दिया गया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो एमएसएमईज़ हैं वो लोन uh, ले और अपने काम को स्टार्ट करो जब वो काम करेंगी प्रोडक्शन uh, करेंगी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो करेंगी करेंगी इसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ होगी मींस हमारे यहाँ के लोगों को भी जॉब्स मिलेगी तो गाइज हम, हम कुछ एम के बारे में समझ लेते हैं एम एस एम ई स्टैंड माइक्रोस्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि एक एक्ट के थ्रू uh, इनको इंट्रोड्यूस करा गया था एंड द एक्ट वॉज माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू थाउजेंड सिक्स तो इसलिए ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और ये जो एम एस एम ई है ये किसके थ्रू मैनेज करी जा ministry है, ministry MSMEs, जाते हैं इनकी एक अलग से मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ईज जिसके अंदर सभी चीज़ें देखी जाती हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन से लेकर कि कैसे चीजें प्रोड्यूस करनी है देन कैसे उन्हें मैनुफैक्चर करना है मीन रॉ मटीरियल से कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है या फिर रॉ मटीरियल से जो हमने कोई चीज प्रोड्यूस कर ली उसके बाद उसे और कैसे मॉडिफिकेशन उसमें करके uh, कोई एक न्यू प्रोडक्ट मैनुफेक्चर करना है वो या फिर प्रोसेसिंग उसकी कैसे होनी चाहिए अलग अलग वेस्ट क्योंकि देखो सभी लोग कुकीज़ बनाते हैं या फिर बिस्किट्स बनाते हैं लेकिन उनकी जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग होती है ना कोई उसमें कुछ प्रोडक्ट डालता है कोई किसी को से कोई बेक करके बनाता है ओके okay? एंड अलग अलग इंग्रीडियंट्स यूज करता है मीन्स अलग अलग प्रोसेसिंग होती है तो इसीलिए ही अपनी प्रोडक्शन अपनी मैनुफैक्चरिंग अपनी प्रोसेसिंग सब कुछ चीज़ें वो देखेंगे इवन गुड्स और कम्यूनिटीज को प्रिजर्व करके कैसे रखना है वो भी वही लोग देखेंगे उनके खुद के गोडाउन होते हैं सभी चीजें मीन्स उनकी होती हैं एंड ये एज अ कम्प्लीट एंटरप्राइजेस की तरह ही वर्क करती हैं। सो so, हाँ भी हम माइक्रो एंटरप्राइजेज के बारे में जान लेते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन कौन होते हैं तो so, स्टूडेंट इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्न की बात करेंगे तो देखो प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग और यू नो मशीनरी या फिर इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट वन करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुल टर्न ओवर फाइव करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सो तो वो होती है माइक्रो इंटरप्राइजेज सिमिलरली स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होती है जिनके जो इन्वेस्टमेंट है वो टेन करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड जो एनुल टर्न ओवर है वो फिफ्टी करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लास्ट में मीडियम इंटरप्राइजेज वो हुई जिनकी इन्वेस्टमेंट मोर देन फिफ्टी करोड़ रुपीज़ नहीं होनी चाहिए एंड एनुल टर्न ओवर जो है वो टू फिफ्टी करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मीनस जो भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट करती है जो भी वो मशीन खरीद के ला रही है जो भी वो इक्विपमेंट खरीद के ला रही है जो भी वो प्लान सेटअप कर रहे हैं वो वन करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होने चाहिए एंड उनकी जो एनुअल टर्न ओवर थी वो फाइव करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होने चाहिए एनुअल टर्न ओवर जो है उनके माइक्रो एंट्राइजे के लिए तो so, सिमिलरली बाकी सबके लिए है, और इसी से ही डिफाइंड होती है कि माइक्रो है स्मॉल है मीडियम एंटरप्राइजे सो स्टूडेंट्स विद दिस है थैंक यू सो मच डेट टू शेयर इट विद येंड्सो गुस्ट सीरीज एंड स्टेन फॉर द नेक्स्ट अपडेट